अस्सलाम वालेकुम। आप प्री मेच्योर एजकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टाइमिंग की प्रॉब्लम, आपके अंदर वीकनेस होती है, आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ से इतना से तनाव नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ तरह की टैबलेट्स यूज़ करते हैं, आप गोलियाँ खाते हैं, क्या आपको पता है ये गोलियाँ आपके जिगर को नुकसान देती हैं, आपके स्टोमिक को नुकसान देती हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके हार्ट को कमज़ोर कर देती हैं, आपके दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं। ये वक्ती आप टाइमिंग तो हासिल कर लेते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, आपके अंदर जो वीकनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। आप कमज़ोर हो गए हैं, आपके अंदर मर्दी है, आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में मुबतला हैं, आप प्री मैच्योर एजकुलेशन की प्रॉब्लम में मुबतला हैं, तो इंशाल्लाह ये जो दो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह ये आपकी दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक कर देंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नामर्दी की प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो आप कोई भी इस तरह की टैबलेट्स ना यूज़ करें, आप नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, आपको पता है आप अपना नुकसान करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स पे होती हैं। कुछ पेशेंट्स का सवाल होता है कि ये मेडिसिन मैंने यूज़ की, इस मेडिसिन ने असर नहीं किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेडिसिन यूज़ करें, होम्योपैथिक बहुत अच्छा इलाज है, आप इन मेडिसिन को यूज़ करें, इंशाल्लाह आप परमानेंट ठीक होंगे। आपके ये मेडिसिन गुर्दों पे भी असर नहीं करेंगी, आपके लीवर पे भी असर नहीं करेंगी, आपके स्टोमिक पे भी असर नहीं करेंगी, और आप इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाएँ। आप बिला वजह दूसरी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी टाइमिंग की मेडिसिन खाते हैं, वो वक्ती आपको फ़ायदा देती हैं पर बाद में आपको नुकसान देती हैं। तो इंशाल्लाह मैं दो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताऊंगा। अगर आपके सिम्टम्स अलामत मिलती हैं तो तब मेडिसिन यूज़ किया करें, अगर आपकी अलामत नहीं मिलती तो मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर आप में वो प्रॉब्लम्स हैं तो तब आप इन मेडिसिन को यूज़ करें। कुछ पेशेंट्स का सवाल होता है कि हमने ये मेडिसिन यूज़ की, फलां मेडिसिन यूज़ की, हमें इसका फाका नहीं हुआ, क्या पता आपके इस मेडिसिन से सिम्टम्स मिले ना हों, तो आपने बिला वजह यूज़ कर ली हो, तो इसीलिए आपको फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो आपको फ़ायदा तब होगा जिस मेडिसिन के सिम्टम्स अलामत मिलती हैं आपसे, तो आप तब यूज़ किया करें। इस वीडियो में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, जो होम्योपैथिक दो मेडिसिन बताऊंगा, आप इन मेडिसिन को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपकी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्री मेच्योर एजकुलेशन की प्रॉब्लम है, आपके अंदर नामर्दी की प्रॉब्लम है, आपके जो पीनस का ढीलापन है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर आमिर इकबाल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी मेल है, जब उनकी नई नई शादी होती है तो वो परेशान होते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरह की टाइमिंग की मेडिसन यूज़ करते हैं, वक्ती उनको अफाका तो होता है पर वो परमानेंट इलाज नहीं है। तो होम्योपैथिक मेडिसन इनशाला आपका परमानेंट इलाज है, आप होम्योपैथिक तरीका इलाज अपनाएं, इनशाला आप इस इलाज से फ़ायदा उठाएंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस को आप यूज़ करें सिम्टम्स पे, अलामत पे यूज़ करें। अगर आपके अंदर वीकनेस है, जब आप पास जाते हैं तो आपका सीमन खारिज हो जाता है, आपका जो सीमन वहाँ ही निकल जाता है, आप सही तरह से इंटरकोर्स नहीं कर पाते, प्री मेच्योर एजकुलेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, तो एग्नस कास्टस को यूज़ करें। आपकी एसाबी कमज़ोरी ठीक करेगी, आपके अंदर वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है, आप नौजवानी में गलत कामों में रहे हैं, आप सही तरह से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, जब आपकी नई नई शादी हो रही है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आप गलत कामों में मुबतला रहे हैं, आप शादी से पहले कोई मुख्तलिफ तरह के गलत कामों में मुबतला रहे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक करेगी। इसका जो पेशेंट है ना, उसको नींद सही तरह से नहीं आती, उसके अंदर एसाबी कमज़ोरी आ जाती है, उसके अंदर वक्त से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है, वो नौजवानी में गलत कामों में मुबतला रहता है, और जब वो इंटरकोर्स करने लगता है तो वहाँ ही उसका सीमन खारिज हो जाता है, जब वो नामर्दी का शिकार होता है तो वो मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं, वीकनेस, कमज़ोरी, पट्ठों का दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं, और उसको सही तरह से भूख भी नहीं लगती, सही तरह से नींद का गलबा होता है पर उसकी नींद पूरी नहीं होती, मुख्तलिफ तरह की उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेंशन परेशानियों में मुबतला हो जाता है, तो एग्नस कास्टस इंशाल्लाह ये आपकी तमाम प्रॉब्लम्स दूर कर देगी। एग्नस कास्टस को आपने कौन सी पोटेंसी में यूज़ करना है, इसको आपने 200 में यूज़ करना है, 5 कतरे
सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपकी जो प्री मेच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक कर देगी। अगर आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50, 60 साल है, तब भी आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्नस कास्टस मेल तो इसे यूज़ करते ही हैं, ये फीमेल के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसन है। फीमेल के अंदर वीकनेस होती है, उनके अंदर इस तरह की वीकनेस होती है कि उनका जब इंटरकोर्स करने लगती हैं तो उनका भी इंटरकोर्स करने में दिल नहीं लगता, वो सही तरह से इंटरकोर्स नहीं कर पाती, वीकनेस हो जाती है, इंटरकोर्स करने से घबराती हैं, उनका दिल नहीं लगता, और जो उनके मेंसेस होते हैं सही प्रॉपर तरह से नहीं आते, मिकदार में कम आते हैं, लकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, और उनके जो अंदर ब्रेस्ट में दूध की कमी हो जाती है, तो इस प्रॉब्लम को भी एग्नस कास्टस ठीक करती है। एग्नस कास्टस फीमेल की वीकनेस, उनके अंदर जो वीकनेस आ जाती है, उनके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी में उनका किरदार जो है सही तरह से अदा नहीं कर पाती, इस प्रॉब्लम को एग्नस कास्टस बिल्कुल ठीक कर देगी। जो फीमेल बांझपन का शिकार हैं, इनफर्टिलिटी के केस में प्रॉब्लम है, उन तरह की औलाद नहीं पैदा हो रही, तो एग्नस कास्टस उनको भी दें, ये उनके अंदर स्पर्म की तादाद को बढ़ाएगी इंशाल्लाह। जो फीमेल हैं उनके अंदर प्रॉब्लम है, बांझपन का शिकार हैं, तो उसको भी ये ठीक कर देगी। एग्नस कास्टस एक ऐसी मेडिसन है जो आपकी प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर देगी। आप इस मेडिसन से इंशाल्लाह बहुत अफाका महसूस करेंगे। अब जो मैं आपको दूसरे नंबर पे मेडिसन बताऊंगा, इस मेडिसन का नाम क्लेडियम है, क्लेडियम 200। अगर आपके अंदर वीकनेस है, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम है, एजार डिले हैं, आपका इरेक्शन होता है प्रॉपर तरह से, इरेक्शन सही तरह से नहीं होता, आधी रात को इरेक्शन होता है, फिर आप वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, नमर्दी की प्रॉब्लम हो जाती है, आप सही तरह से इंटरकोर्स नहीं कर पाते, आपके अंदर वीकनेस है, तो इंशाल्लाह क्लेडियम आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स ठीक कर देगी। आपके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, मसल्स में वीकनेस आ गई है, तो इंशाल्लाह क्लेडियम यूज़ करें। इंशाल्लाह क्लेडियम आपकी मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम, नामर्दी की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक कर देगी, टाइमिंग की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक कर देगी। नंबर वन पे मैंने आपको एग्नस कास्टस बताई है। एग्नस कास्टस के 5 खतरे, सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं, और क्लेडियम 200 के 5 खतरे रात को खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं, इंशाल्लाह इनसे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम मुकम्मल ठीक हो जाएगी। आपने इन दोनों मेडिसन को कम से कम एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मेडिसन को 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इन मेडिसन को इस्तेमाल ना करें, इंशाल्लाह आपको अफाका लगेगा। जब आप इनसे अफाका महसूस करें तो इन मेडिसन को छोड़ दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।